సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు ఇది చీకటి వెలుగు వికారాబాద్ జిల్లాలో పిచ్చి కుక్కలు వీరంగం సృష్టిస్తున్నాయి వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పరిధిలో మార్వాడి బజార్లో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కుక్కల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు మరియు ముజ్జిన్ యూనిస్ ఖాన్ హనుమంత్ రమేష్ రామ్ విక్రాంత్ సిపా యూనిస్ ఖాన్ తదితరులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలు కూడా తెరవడంతో నిత్యం చిన్నపిల్లలు మరియు సమీప ప్రాంతాల ప్రజలు కాలినడకన తమ కార్యకలాపాలకు వెళ్తుంటారు ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు వెంటనే పిచ్చి కుక్కలను నిర్మూలించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు इधर कोना इधर वो कुत्ते को क्या पकड़ के क्या ये करो उसको तो दिन ब दिन रोज कुत्तों की मिकदार गलियों में सड़कों पे बढ़ती चली जा रही रात के औकात में पुकारना दिन के औकात में भी कुत्तों का जो दहशत है तांडूर में शहर तांडूर में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही मैं कौम के लीडर्स और म्यूनसिपालिटी से अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कुत्तों का जो है ना बंदोबस्त किया जाए ना सिर्फ जानवरों को परेशान कर रहे हैं बकरों को परेशान कर रहे हैं बल्कि आजकल जो है ना इंसानों को भी परेशान कर रहे हैं आज इसकी जद में आज हमारे सुशील मस्जिद के मौजन साहब इसकी जद में आ गए ये मुझे बेहद अफसोस है मैं हायर अथॉरिटीज म्यूनसिपल चेयरमैन म्यूनसिपल बल्दिया से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कुत्तों का कुछ ना नेमल बदल इंतजाम किया जाए थैंक यू वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू देखिए साहब मेरे को कुत्ता काटा है मेरे से पहले चार जनों को काटा मारवाड़ी बाज़ार में मैं स्टेशन मस्जिद का मौदन मेरे को मस्जिद के पास काटा मेरे को एक कुत्ता और ये देख सकते हैं आप लोग निशानी और उसमें से एक मारवाड़ी बाज़ार में जो आरएमपी डॉक्टर साहब है उनको भी कुत्ता काटा टोटल पाँच जनों को काटा हमारे लिए और तांडूर में कई दिन से दो तीन साल से बोलते जा रहे हैं कि कुत्तों के ऊपर कुछ एक्शन लियो म्यूनसिपल्टी वालों से मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से और ख़ासकर केटीआर जो मिनिस्टर है म्यूनसिपल के जो मिनिस्टर है उनसे भी तांडूर के म्यूनसिपल के लिए कुछ एक्शन ले ये तांडूर में कई दिन से बोला जा रहा है मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे और एमएलए साहब से भी ये मेरी गुजारिश है कि तांडूर के म्यूनसिपल के लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए जो कुत्तों के लिए ख़ासकर इंतज़ाम कीजिए हम बड़े जनों को काटा है हम बर्दाश्त कर लेंगे मगर छोटे बच्चों को अगर काटेंगे तो कैसा बर्दाश्त करेंगे ये सोच कर करिए छोटे बच्चों के लिए हमारे बड़े जनों स्कूल भी चालू हुए बच्चों के लिए अब बच्चों के स्कूल भी चालू हुए हैं अगर बच्चों को काटेंगे तो कितना परेशान होंगे माँ बाप इसके ऊपर एक्शन लीजिए मेरी यही गुजारिश है तमाम लीडरों से यही गुजारिश है कि एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी से भी ये मेरी गुजारिश है कि बच्चे स्कूल चालू हुए हैं इस पर एक्शन ले कि कुत्तों के कुत्ते काटने से कितना परेशान हो रहे हैं आवाम कई केसेस आ रहे हैं कुत्तों के काटने के आप सरकारी दवाखाने में जाकर देख सकते हैं इस पर डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं मगर ये म्यूनसिपल से गुजारिश है कि इस पर कुछ एक्शन ले जा।